TV9 दिल्ली NCR के सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक बधाई। अगर आप भी इस दिवाली पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मां लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और मां को प्रसन्न करने के लिए पूजा की विधि और इस दिन क्या करें या फिर क्या नहीं करें, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। नमस्कार, TV9 दिल्ली NCR देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। आज पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा का सबसे अधिक महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप सच्चे मन और विधि विधान से माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो धन की देवी माँ लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणेश आपसे प्रसन्न होते हैं। ऐसे में शुभ मुहूर्त पर विधि विधान के साथ पूजन करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो चलिए जानते हैं दिवाली की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और इस दिन क्या करें क्या नहीं। दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर यानी कि आज शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक है। वहीं लक्ष्मी पूजा के लिए महानिषिद्ध काल मुहूर्त रात 11:39 से मध्य रात्रि 12:31 तक है। इस मुहूर्त में लक्ष्मी पूजा करने से जीवन में अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दिवाली पर मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है, लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि इस दिन क्या करें और क्या नहीं करें। तो दिवाली के दिन क्या करना चाहिए ये आपको बताती हूँ। दिवाली के दिन पकवान बनाएं और घर को सजाएं, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें, शाम को लक्ष्मी गणेश की विधि विधान से पूजा करें। व्यावसायिक प्रतिष्ठान या फिर जो दुकान है उसके गद्दी की भी आप विधि पूर्वक पूजा करें और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। अब क्या नहीं करना चाहिए। दिवाली के दिन घर के प्रवेश द्वार पर या घर के अंदर कहीं भी गंदगी नहीं रहने दें। इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाएं। दिवाली के दिन जुआ ना खेलें, शराब नहीं पिए और मांसाहारी भोजन भी नहीं करें। भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति ना रखें जिसकी सूंड दाहिनी ओर हो। किसी को लेदर से बना तोहफा या फिर धारदार तोहफा या फिर पटाखे नहीं दें। दिवाली के दिन ना कर्ज दें और ना ही किसी से कर्ज लें। पूजा स्थल को रात भर खाली ना छोड़ें, यानी कि वहां पर जो दीप जलाएं उसमें घी इतना डालें कि वो पूरी रात जलता रहे। दिवाली की रात पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय भोग अर्पित करें। भगवान कुबेर को धनिया जरूर चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि दिवाली पर ऐसा करने से लक्ष्मी, गणेश और कुबेर प्रसन्न होंगे और आपको सुख समृद्धि और आशीर्वाद देंगे। तो आज दिवाली है, शुभ मुहूर्त से लेकर क्या करें क्या नहीं करें सब मैंने आपको बताया। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी दिवाली बहुत ही अच्छी बनेगी। और TV9 दिल्ली NCR की एक अपील, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण काफी ज्यादा है, तो आप सावधानी बरतें और पटाखे ना जलाएं।